29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. आज हम आपको जे 6 से 7 साल के बच्चे का स्वेटर बता रहे हैं, और विद रेगलिंग कटिंग, विद सुई से हमने गला बनाया है, बाजू पे हमने डिज़ाइन डाला है, और स्वेटर में भी हमने नीचे से बॉर्डर जो बुना है उसके ऊपर हमने कलर डाला है दूसरा, फिर ऊपर बनाया है, फिर ऊपर जाके जब रेगलिंग कटिंग की तो इसका भी हमने ऊपर डिज़ाइन कलर डाल दिया है साथ साथ, और डिज़ाइन बन गया है। ऊपर हमने सुई गला बनाया है और फिर सुई से हमने इसको बाइंड किया है। तो इस स्वेटर को कैसे बनाना है वो सब आज हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। देखते हैं इसके 2 पार्ट बनेंगे या 1 पार्ट में ही इसको अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाया है वो आपके साथ हम आज शेयर करने वाले हैं। एक एक पीस बाजू का, गटाई, फंदे और गले के, और रेगलिंग कटिंग। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 2 कलर से बनाने वाले हैं इस स्वेटर को 6 साल के बच्चे का। इससे हम बॉर्डर बुनेंगे, इसको ऊपर डालेंगे, अब फिर इसका बाजू में बॉर्डर बुनेंगे, ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो इसको कैसे बनाना है, कितने फंदे डालने हैं वो आप देख लीजिए। तो इस कलर से हम थ्रेड को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम जहाँ ऐसे बाइंड भी कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, ऐसे बाइंड करेंगे, है ना। तो फंदे डालना हमारे चैनल पे अपलोड है, सिंपल डिज़ाइनर सभी फंदे हैं जसवीर क्रिएशन में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ऐसे आपने जैसे पुराने टाइम में फंदे डालते हैं ना, वो वाले फंदे डालने हैं ऐसे। तो जो आजकल फंदे डालते हैं वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए फंदे इधर सीधा आएगा, इधर उल्टा आएगा। अगर हम वो वाले फंदे डालेंगे तो वो ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे जी देखिए, और फिर क्या होगा, इधर सीधा आएगा और इधर उल्टा आएगा। तो हम ओल्ड वाले टाइम से जो फंदे डालते हैं वो ही डालेंगे। तो चलिए फंदे पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम फंदे पूरे डाल लेंगे जी। देखिए फ्रेंड, हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद अब हम एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बुनेंगे 10 नंबर से। तो चलिए इसको बुनते हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ऐसे हम पूरा बॉर्डर बुन लेंगे। ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा, जब उल्टी साइड आएंगे उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बुनेंगे, और बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर बन के आएगा इस टाइप का। तो हम बॉर्डर पहले बुन लेते हैं, फिर बता देंगे आपको बॉर्डर कितने इंच बुना है, उसके बाद ऊपर का डिज़ाइन हम फिर बताएंगे। एक कलर का डालेंगे तो कैसे डालना है वो भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुन लिया है। बॉर्डर जो है हमने 1.5 इंच बुना है इसका, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2.25 इंच, और अगर दूसरा देखेंगे तो उस हिसाब से ये बॉर्डर आएगा 4 सेंटीमीटर। जी देखिए
2 इंच इतना बॉर्डर बुन लीजिए। मतलब ये हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 14 सिलाई में हमने बॉर्डर बुना है। आगे आपकी वूल के हिसाब से चलेगा। आगे हमने प्लेन 2 और 4, 4 सिलाई प्लेन बनाई है इस कलर की, जो इसके बॉर्डर के साथ का कलर है। उसके ऊपर हम अलग से दूसरा कलर भी लगाएंगे। हमने आपको बताया था ना कि 2 कलर में बुनेंगे। अब इसको इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी हम 6 सिलाई बनाएंगे। जैसे इसके साथ अटैच किया, अब 6 सिलाई इस कलर की बुनेंगे। और ऊपर हमने 9 नंबर लगाना है, क्योंकि पहले हमने 10 नंबर पे बॉर्डर बुना है, अब 9 नंबर में ये आगे बुनेंगे। और आपने 77 फंदे रखे हैं, आप 80 फंदे टोटल बना लीजिए। बस इतने ही फंदे बहुत हैं 6 साल के बच्चे के लिए। 6 साल से ऊपर ही आएगा, 6 साल का बच्चा पहनेगा तो 7 साल तक आराम से पहन सकता है। अगर वूल पतली है तो आप इसके 85 या 86 फंदे रख लेना। थोड़ी सी थिक है वूल, कोई इतनी पतली भी नहीं है, इसलिए हमने 80 फंदे बना लिए हैं। तो इसकी हम 6 सिलाई बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इसकी 4 सिलाई बनाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आगे आपने कैसे बनाना है ऊपर तक। जी देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुना, फिर 4 सिलाई इस कलर की बुनी, फिर हमने 6 सिलाई इस कलर की बुनी, फिर 4 सिलाई इस कलर की, फिर 6 सिलाई इस कलर की। उसके बाद हमने प्लेन बना दिया है। अब जब ये प्लेन बन गया है तो इसकी जो लेंथ है वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने बैक का भाग बुन लिया है। आपको बताया था कि हम पहले बैक का बुनेंगे और हमने इसको 14 इंच बुना है। ठीक है, अब ये पार्ट हमने बुन लिया है। इसके साथ ही हमने दूसरा पार्ट भी बुन लिया है। जे भी जे फ्रंट का और बैक का कोई भी बुनिए, दोनों एक जैसे ही बुनने हैं। ये देखिए, अब दोनों हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने बाजू रेडी करनी है। तो बाजू कैसे बनानी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। वो देखिए बाजू को, और उसकी लेंथ भी हमने बराबर ही रखनी है। जो देखिए, आर्म्स के लिए हमने बॉर्डर बुन लिया है। इसकी सिलाइयाँ हमने बनाई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 ही हमने दूसरे बॉर्डर की बनाई थी, तो आर्म्स की हमने इतना बॉर्डर बना लिया है 2.25 इंच। जैसे ही हम 36 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे, उसके आगे हमने ये कलर लगा लेना है। और इस कलर से हम बुनेंगे 2 सिलाई सीधी उल्टी। तो इसी सीधी उल्टी सिलाई में हमने इसको छोड़ देना है, इस कलर को। सीधी उल्टी सिलाई में हमने 36 फंदे हैं, तो हमने इसके 40 फंदे बना लेने हैं। तो फंदा बीच में कैसे बनाना है, नीचे हमने 10 नंबर से बुना है, ऊपर हम 9 नंबर लगा रहे हैं। तो जैसे जे उल्टा फंदा दिखता है ना, ये सीधी साइड है, तो इस उल्टे फंदे को आपने पहले बुनना है ऐसे, फिर दूसरे भी को भी बुन लेना सीधा। तो ऐसे हम बीच बीच में 4 फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने इतने फंदे बुने, फिर हम जहां पे फिर फंदे को बढ़ा लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये पकड़ा, इसको जहां रखा और बुन दिया, तो ये फंदा बढ़ गया। तो हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं, 2 और बढ़ाएंगे। तो हम थोड़े से फंदे बुन लेंगे, बीच में 8 फंदे बुन लीजिए, फिर इसको पकड़ेंगे जहां रखेंगे और इसको भी बुन देंगे। तो एक फंदा और बढ़ गया, 3। 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब एक फंदा और बढ़ाना है, तो हम जहां पे बुनते बुनते बीच में आके बढ़ा लेंगे। जैसे हम जहां पे आए तो फंदा एक और बढ़ा लिया, तो हमारे 4 फंदे बढ़ गए। तो ये टोटल हो गए 40 फंदे। अब इन 40 फंदों को हमने थोड़ा सा बुनना है, उसके बाद हमने फिर फंदे आगे बढ़ाने हैं। अब बैक साइड हम सिंपल ही बुनेंगे, जैसे बैक फंदे दिखते हैं
वैसे ही इस सिलाई से बुन देंगे ऐसे जी। देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन ली है दो सिलाई। अब हम 8 फंदे बीच में, 13 फंदे बीच में रखेंगे उल्टे, बाकी हम सीधे कर देंगे जी। देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें मार्क लगा लेंगे फंदों को काउंट करते हुए। तो बीच के 13 फंदे हम रखेंगे, बाकी फंदे इधर हैं इधर हैं, तो साथ में मार्क लगाएंगे ये। देखिए फ्रेंड, जो ये मार्क हमने निकाल लिए हैं, इसको हम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 40 फंदे हैं ना, तो एक तरफ तो हम ये रखेंगे पहले 13 फंदे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 फंदे हमने बुन लिए हैं जहां हम रखेंगे मार्क हैं, और थ्रेड करेंगे आगे और 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, 13 सीधे 13 उल्टे। ये देखिए जहां से डिजाइन स्टार्ट हो गया, फिर हम मार्क लगा लेंगे और 13 फंदे सीधे बुनेंगे। लेकिन हमारे बचे हैं 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो एक फंदा हमारा कम है, मतलब टोटल हमारे 39 फंदे हैं, तो 40 फंदे होने चाहिए हमारे। तो 40 फंदे हैं तो 13-13 फंदे आए हैं, तो एक फंदा जहां बच गया है ना, ये 14 फंदे, इधर 14 फंदे हैं, इधर 13 फंदे हैं, तो एक फंदा हम जहां आके उल्टी साइड में बढ़ा लेंगे, तो 14 और 14, 28 फंदे हो जाएंगे। मतलब तो हमने क्या किया, हमने जहां पे इधर भी 13 रखे, इधर भी 13, बीच में भी 13, तो एक फंदा हमने कम कर दिया, जहां पे बढ़ाया नहीं है कम कर दिया। क्योंकि जब हम कोई भी डिजाइन को एडजस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम ना फंदे बढ़ा और घटा सकते हैं एक दो। तो हमने 4 फंदे बढ़ाए थे है ना, तो 40 फंदे, अब 40 फंदे एडजस्ट ही हो रहे थे, क्योंकि जहां 13 आ रहे थे, जहां 13 आने हैं, लेकिन एक फंदा ज्यादा तो हमने कम कर दिया 40 फंदों में। तो ये 13, 13, 13, 13, 13, 13, 39 फंदे हो गए, एक फंदा हमने जहां कम कर दिया। अब ये बराबर हो गई। अब हमने उल्टी सिलाई इस डिजाइन की पूरी उल्टी बुननी है, और फंदे आगे कैसे बढ़ाने हैं वो हम आपको बता देंगे। देखिए हम 9 नंबर लगा रहे हैं ऊपर, 10 नंबर से बॉर्डर और 9 नंबर ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी वूल मोटी है। अगर आपकी वूल पतली है तो आप 41 फंदे रख लेना, और 43 भी रख सकते हैं। अब जो हमने इधर उल्टे बुने हैं, वो बैक साइड हमने उल्टी ही बुननी है, बस ये आपने ध्यान रखना है। बीच में 13 फंदे ही उल्टे बुनने हैं और डिजाइन चलेगा आगे आगे, कोई और कलर नहीं डालना, बस हमने बॉर्डर बुना है, बॉर्डर ही बुनना है, इस कलर से, दूसरे से, सेकंड कलर से, इस कलर से हम पूरी बाजू बुनेंगे, बट इसमें हमने डिजाइन डाल दिया है। तो जैसे हमें पूरी सिलाई उल्टी बुन रहे हैं, तो उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे ये। देखिए तो हमारी ना वैसे भी ये 4 सिलाइयां बन चुकी हैं, 2 हमने नीचे बनाई, 2 ऊपर, 4। अब हम फंदा जहां बढ़ा सकते हैं, जहां भी, जहां अगर बच्चे की बाजू पतली है तो फिर ना बढ़ाइए, फिर आप 6 सिलाई के बाद फंदा एक इधर बढ़ाना है, एक इधर, फिर 6 सिलाई के बाद एक इधर, एक इधर, मतलब टोटल 6 सिलाई बुने, 7वीं सिलाई में बढ़ाना है। तो अभी हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसका ये स्वेटर है उसकी बाजू बहुत पतली है, तो हम ऐसे ही सिंपल बुन देंगे। जो हमने बीच में मार्क लगाया है उल्टे उल्टे फंदों का, वहां हम उल्टा ही बुनेंगे। तो हमने फिर 13 फंदे सीधे बुन लिए, थ्रेड अपनी तरफ किया, इसको जहां रख लिया और 13 फंदे उल्टे बुन दिए ऐसे। ये देखिए ये उल्टी उल्टी लाइन आएगी बीच में,
बहुत सुंदर लगेगा ऐसे। ये देखिए ऐसे बाजू स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जहां आपको ये पूरी सिलाई बना के दिखाते हैं, 13 फंदे उल्टे और फिर 13 फंदे सीधे। तो मार्क फिर रख लीजिए, उसके बाद आपने मार्क निकाल देना है, क्योंकि जहां आपको 13 फंदों की लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी भी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी दो चार सिलाई ये बनाई है, दो नीचे, छह सिलाई बन गई। अब हम एक फंदा जहां बढ़ाएंगे, एक फंदा जहां बढ़ाएंगे, और बीच में ये उल्टे का डिजाइन हमारा बनता जाएगा। तो कैसे फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने ये स्लिप किया सीधा फंदा, इसके साथ जो जे वाला है सीधी लाइन फंदे के साथ में, इसको जहां पे रखेंगे और पीछे को सीधा बुन देंगे। ऐसे एक फंदा बढ़ गया, बस ऐसे फंदा आपने सीधे के साथ बढ़ा लेना है। ये देखिए, बाकी हम आपने वैसे ही एंड तक बुनना है, लेकिन सीधी सिलाई में ही दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं, तो एंड में जाके हम फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, ये मार्क है, मार्क से पहले आपने ये उल्टे फंदे बुनने हैं 13। फिर मार्क रखेंगे इधर, और ये 13 फंदे सीधे बुनेंगे, लेकिन एक फंदा और बढ़ाना है इसी सिलाई में। मेन सिलाई हम बता देते हैं, आगे आपने ऐसे ऐसे ही बढ़ाते जाना है। जैसे ही आप ये लास्ट वाला फंदा बुने, लास्ट सेकंड लास्ट इसको बुन लें, तो जहां पे भी हमें एक सीधा ये फंदा दिखता है ऐसा, ये देखिए, इसको उठाना है, इस सिलाई में रखना है और बुन देना है, तो एक फंदा हमारा जहां बढ़ गया, फिर आगे लास्ट वाला फंदा बुनना है। तो ये देखिए, एक फंदा तो हमारा जहां बढ़ा, एक जहां। अब बैक साइड उल्टी सिलाई हम पूरी बनाएंगे, और पूरी उल्टी, हर बार पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगी, और फिर छह सिलाई के बाद फिर फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे आपने हर छवीं सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, तो बहुत सुंदर शेप बन के आएगी। और जब बाजू बच्चा पहनता है, तो इस साइड देखिए उल्टे दिखते हैं और इस साइड भी, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको सीधा करेंगे तो बीच में डिजाइन चलेगा। तो ऐसे बनाते बनाते हमने इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच रख लेनी है, और फंदे भी बढ़ जाएंगे। और हमने ये हमारे 40 फंदे हैं, तो आगे हम फंदे बढ़ा के कितने रखने हैं वो हम जब फंदे बढ़ जाएंगे, इसकी शेप आ जाएगी, तो आपको बताएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये बाजू बना ली है, बीच में 13 फंदे चले हैं, और साइड में ये देखिए, कभी हमने 6 सिलाई में फंदा बढ़ाया, कभी हमने 8 सिलाई में फंदा बढ़ाया, कभी 6 में, कभी 8 में। तो ये अपने बाजू की शेप के हिसाब से फंदे बढ़ाने हैं, ये नहीं कि हर छवीं सिलाई, हर सातवीं सिलाई आप फंदे बढ़ाते जाएं और फंदे ज़्यादा बढ़ जाएं और बाजू की शेप खराब हो जाए। तो आपने कभी 6 फंदे 6 सिलाई के बाद, कभी 8, कभी 10 बढ़ाते बढ़ाते, जब जहां तक बन जाए, तो फिर आपने हर चौथी सिलाई में बढ़ा सकते हैं फंदों को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो हमारे ये अब जैसे हमारे ये जहां पे फंदे थे 13 13 और 13, ये फंदे 13 बीच के हैं, लेकिन जहां बढ़ते बढ़ते फंदे 29 हो गए हैं, जी 29 इधर है, 29 इधर है, तो 58 फंदे हमारे ये हो गए और 13 फंदे ये हैं, तो 71 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अब ऊपर जाके इसकी विड्थ देख लीजिए कितनी है, ऊपर जाकर इसकी विड्थ 12 इंच बनती है ना, जहां तक। और जो इसकी लेंथ है वो भी देख लीजिए, इसकी लेंथ बनेगी 13 इंच। ये सिंपल है, अब धोएंगे सिलेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, लेंथ बढ़ जाएगी, तो 1 इंच तो बढ़ती है। फिर देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, शेप जो हमारी आई है बढ़िया सी, है ना, बनके, तो इसकी शेप को जब ऐसे रखेंगे तो नापिए आप, फिर आपने जैसे नापेंगे तो 14 इंच दे देखिए, वैसे 13 इंच दिख रही थी ना, अब ये 14 इंच दिख रही है। तो ऐसे आप
कंफ्यूज नहीं होना कि 1 इंच बाजू। जी देखिए फ्रेंड, हमने बाजू बुन ली है और बाजू की जो लेंथ है वो भी हमने 14 इंच रखी है, क्योंकि 6 से 7 साल तक बच्चा आराम से इसको पहन सकता है। ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो भी 14 इंच है प्रॉपर। ये देखिए, तो हमने ये बाजू भी बुन ली है और हमने दूसरी बाजू भी बुन ली है। तो दोनों बाजू हमने 14 14 इंच 2 पीस बुन के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी रेगलिंग कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए फिर रेगलिंग कटिंग करते हैं।